वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का शलजम और चिकन का सालन। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली है वो देख लीजिए। मैंने हाफ के जी शलजम लिए और मैंने इनको काट लिया, वाटर इसका गिरा देंगे। इसके बाद लिया मैंने 1 kg चिकन है और इसको मैंने वॉश कर लिया। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज का मैंने प्याज लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया। 2 मैंने टमाटर लिए, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद लिए 2 सब्ज़ मिर्चें, काट लिया इनको मैंने। और स्पाइसेस लिए मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 teaspoon मैंने लिया हल्दी, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1.5 teaspoon सॉल्ट हसबे जायका, 1/2 teaspoon लिया मैंने धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 गड्डी जो है वो मैंने पालक लिया, इसको मैंने वॉश करके और काट के फ्रीज किया हुआ था, वो ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले प्याज डालेंगे, मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, इसमें ऑनियन ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट। अब इसके अंदर हम टमाटर और ये जो सब्ज़ मिर्च है ये ऐड कर देते हैं। तीन चार मिनट इनको ड्राई भून लेंगे, वाटर नहीं ऐड करेंगे। अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इसको अच्छी तरह हमने भून लेना। अब इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि मसाला अच्छा सा जो है वो गल जाए। इसको कवर कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे, अच्छी तरह हमने मसाला भून लेना। ये बनाई होगी और हम इसे चिकन ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि इसके अंदर ये जो स्मेल वाला वाटर होता है ये सारा ड्राई हो जाए। चिकन जो है ये हो गया, अब इसके अंदर हम पालक ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर शलजम ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे ताकि चिकन और शलजम अच्छी तरह गल जाए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। मैंने इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया, इसके अंदर से ही शलजम और पालक का वाटर निकल आया और इसी में ये कुक हो जाएगा। तो जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसको भून लेंगे। ये चिकन और शलजम दोनों गल चुके हैं, अब हम हाई फ्लेम करके इनको भून लेंगे। फ्लेम को हाई कर देते हैं और अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं, सारा वाटर ड्राई कर देंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा हमारा मज़ेदार शलजम चिकन का सालन तैयार हो जाएगा। भुनाई अच्छी सी हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। और इसमें ऐड कर देते हैं 2 सब्ज़ मिर्ची, मेरे पास फ्रोज़न धनिया, ये ऐड कर देते हैं और गरम मसाला। अब इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, ये देखिए इस तरह इसको जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पका है। इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का शलजम और चिकन का सालन। इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। होप यू लाइक इट। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।